50-60 लाख में आप डॉक्टर्स बना रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से और एनटीए के चेयरमैन से पूछिए, अगर उनको बीमार पड़ जाए और इनका बनाया हुआ फर्जी डॉक्टर जाके उनका इलाज करे तो उनका तो राम राम सत्र हो जाएगा। भगवान की जो सरकार चल रही है, जो 400 पार 400 पार का जो यह नारा देते हुए सरकार या आई थी सत्ता में, 400 पार तो इनका नहीं हुआ, जनता ने इनकी हवा निकाल दी और इनको अभी अंदाजा नहीं है। अरे नीट परीक्षा रद्द करो, नीट परीक्षा रद्द करो, देश में आया कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए ने ये कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पटना में पुलिस ने गिरफ्तार किया 13 लोगों को। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आप जानते हैं कि नीट परीक्षा के अंदर में जबरदस्त तरीके से धांधली हुई है और धांधली करने वाली जो संस्था है वह एजेंसी है, वह एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको यह भी जानकारी दें कि वह एजेंसी के ऊपर में अभी आरोप लग ही रहा था तब तक हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वह लगातार बयान दे रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं हुई है। तब तक अभी नेट की परीक्षा हुई, नेट के तुरंत बाद फिर नेट की परीक्षा हुई और नेट की परीक्षा में भी जबरदस्त तरीके से धांधली हुई और ऐसी धांधली हुई कि अभी जनता के बोलने के पहले उन्होंने तत्काल रद्द कर दिया। आप यह सोच सकते हैं कि जो भाजपा की जो सरकार चल रही है, जो 400 पार का जो यह नारा देते हुए सरकार या आई थी सत्ता में, 400 पार तो इनका नहीं हुआ, जनता ने इनकी हवा निकाल दी और इनको अभी अंदाजा नहीं है कि जिस तरह के तरीके से नौजवानों के साथ, विद्यार्थियों के साथ मजाक कर रहे हैं, आम जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। आप सोचिए कि भविष्य के अंदर में डॉक्टर अगर सही नहीं बनेंगे तो इलाज कैसे होगा, या पूरी तरह से आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही नहीं है, या पूरा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी हम बात कर रहे हैं, पूरी मानवता को यह कलंकित करने वाली यह बात है कि डॉक्टरों को या प्रोफेसरों को या जो भर्ती प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उसमें इतने बड़े व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी है। कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश के अंदर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, हम बड़हरिया सिवान के अंदर में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से पूरे देश के अंदर में आज प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, हम सड़कों पर हैं। हम भाजपा की और एनडीए की सरकार से साफ साफ कहना चाहते हैं कि इस तरीके से जो मजाक चल रहा है ना, यह मजाक नहीं चल सकता है। सीधे तौर पर नीट की परीक्षा को रद्द करे और यह गारंटी करे कि भविष्य में जो डॉक्टर बनेंगे, जो भविष्य में प्रोफेसर बनेंगे या भविष्य में जो भी नियुक्तियां होंगी उन नियुक्तियों में पारदर्शिता अपनाई जाएगी, उन नियुक्तियों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इस बात को सुनिश्चित करने का काम मोदी जी का है। आपका सुशील कुमार, कांग्रेस पार्टी। आज आंदोलन कर रहे हैं क्या? देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मैं यही कहा हूँ, और जिस तरीके से छात्रों के साथ गड़बड़ी की जा रही है, जैसे आपने देखा कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद ही जस्ट ये पूरे देश में आया कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए ने ये कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पटना में पुलिस ने गिरफ्तार किया 13 लोगों को कि ये लोग कुछ उसमें छात्र थे, कुछ उसमें सेटर्स थे, उनको गिरफ्तार करने के बाद भी एनटीए ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जब 4 जून को पूरे देश का रिजल्ट आ रहा था उन चुनाव का, उसमें उसी दिन जबकि 14 को रिजल्ट आना था डॉक्टर का, नीट के एग्ज़ाम का, तो ये 4 जून को ही ले आए। ये लोग जानते थे कि 4 जून को पूरे देश में लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है, इसी बीच में अपनी गड़बड़ी को छुपा दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के छात्र विंग NSUI लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि साथियों, जो छात्रों के साथ धांधली हुई है, जो छात्रों के साथ गड़बड़ी हुई है, एक गरीब का बच्चा कैसे जाके अब तैयारी करेगा,
50-60 लाख में आप डॉक्टर्स बना रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से और एनटीए के चेयरमैन से पूछिए, अगर उनको बीमार पड़ जाए और इनका बनाया हुआ फर्जी डॉक्टर जाके उनका इलाज करे तो उनका तो राम राम सत्र हो जाएगा, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। या जिस तरीके से पैसा के बदौलत डॉक्टर बना रहे हैं, हम ये चलने नहीं देंगे। हम इस पर लगातार विरोध कर रहे हैं और एनटीए को और गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को यह परीक्षा रोकनी होगी और नीट को रीनीट कराना होगा। देश के 23 लाख छात्रों को हम ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकते। कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ है, हमारे नेता राहुल गांधी जी छात्रों के साथ हैं। कल ही एक नीट का डेलीगेशन उनसे मिला है और लगातार मुखरता के साथ राहुल गांधी जी नीट के मुद्दे को सरकार के सामने, हम सड़क पे हैं, हमारे नेता सदन में आवाज़ उठाएंगे और लगातार ये आवाज़ उठती रहेगी जब तक ये केंद्र सरकार को हम घुटने पर नहीं ला देते। हम इसको नहीं छोड़ेंगे और हम इस देश के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होने नहीं देंगे। मेरा नाम खालिद जमशेद है और मैं प्रदेश महासचिव हूँ कांग्रेस के छात्र विंग NSUI का।